Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Science Classes. Class 8th, lesson number 3rd, Synthetic Fibers and Plastics. तो गाइस ध्यान रखिए, इससे पहले हमने 2 लेसन्स कंप्लीट करा दिए हैं, ये आज 8th क्लास का 3rd लेसन है। जैसे जैसे लेसन कंप्लीट होते जाते हैं उनके क्वेश्चन आंसर आप लर्न करके चलें, क्योंकि कुछ अगले जो चरण में हम आपको डिफरेंट करने जा रहे हैं, कुछ आपको हम पेपर भी लेंगे, पेपर किस तरीके लेंगे वो हमारा अगला चरण में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप जो लेसन हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं उन क्वेश्चनों को नोटबुक में राइट करें और उनको लर्न करें। अब हम लेसन नंबर 3rd लेते हैं, क्लास 8th का सब्जेक्ट साइंस, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स, ध्यान रखिए सिंथेटिक किसको कहते हैं, कृत्रिम, जिसको कृत्रिम बनाते हैं। फाइबर्स जो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उनको बोलते हैं। एंड प्लास्टिक्स, द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं वो फैब्रिक के बने हुए होते हैं। फैब्रिक मतलब जानते हैं आप, धागे उनको बोलते हैं, सूत वगैरह धागे होते हैं उनको फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स, और जो फैब्रिक होते हैं वो फाइबर्स यानी बहुत ही महीन धागों से बनते हैं। ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, ये प्राप्त होते हैं, कुछ तो प्राकृतिक तरीके से होते हैं, कुछ कृत्रिम तरीके से इन फाइबर्स को प्राप्त किया जाता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या आप नाम बता सकते हैं कुछ प्राकृतिक फाइबर्स का। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का प्रयोग होता है बनाने में विशाल तरीके, काफ़ी कई तरह के घरेलू वस्तुओं को, आर्टिकल्स को बनाने में। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, आप एक लिस्ट बनाइए कॉमन आर्टिकल्स की जो फाइबर से बनते हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट देम, और उनको अलग कीजिए इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर, या फिर वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम फाइबर से बनते हैं। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1 में उसकी एंट्रीज कीजिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेम ऑफ आर्टिकल, किसी आर्टिकल का नाम लिखिए, जैसे आपके चेयर है, आपके प्लास्टिक की बकेट है, आपके रोप है, आपके और तरह की चीज़ें हैं, उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर में आपकी काफ़ी चीज़ आती हैं, जैसे जूट आता है, पेपर आता है, ये आपके नेचुरल फाइबर्स की चीज़ हैं। व्हाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, व्हाई डिड यू लेवल, लेवल यानी आप उनको नाम क्यों देते हैं, लेवल क्यों देते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. You have read, आपने पढ़ा होगा आपकी पिछली क्लासेस में, that natural fibers, जो natural fibers होते हैं जैसे cotton होता है, wool होता है, silk रेशे होते हैं, are obtained from plants and animals. इनको प्राप्त किया जाता है जानवर, पौधों से, जानवरों से इनको प्राप्त किया जाता है। द सिंथेटिक फाइबर्स, जो कृत्रिम फाइबर्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स द्वारा बनते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसलिए इनको सिंथेटिक, कृत्रिम या मनुष्य के द्वारा निर्मित फाइबर्स कहा जाता है। What are synthetic fibers? कृत्रिम फाइबर्स को क्या होते हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of the thread. आपने देखा होगा एक पैटर्न, देखा होगा यूनिफॉर्म पैटर्न, एक तरीका देखा होगा, जो नेकलेस, जो आपका हीरा होता है, नेकलेस यानी हार होता है, गले का हार होता है, उसमें बीड्स, जो दाने लगे हुए होते हैं, मोती लगे होते हैं, जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, उन्हें थ्रेड की सहायता से जोड़ाता है। तो ध्यान रखिए, ये फाइबर का बना होता है, सिंथेटिक फाइबर का बना होता है, जो मजबूत होता है। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, या फिर काफ़ी सारे पेपरों को जोड़ने में काम आता है, टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चैन, एक लंबी चैन बनाने के लिए, जैसे बुक्स वगैरह में हम बाइंडिंग में काम में लेते हैं। एज इन फिगर 3.1, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, इज देयर एनी सिमिलरिटी, क्या है, देखिए ए और बी, इसमें तो पेपरों को जोड़ा गया, इसमें मोतियों को जोड़ा गया, तो बीड्स, पहले में तो बीड्स हैं, दूसरे में पेपर क्लिप्स लगा के जॉइंट टू फ्रॉम लॉन्ग चैन बनाई गई है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टूगेदर, सिंथेटिक फाइबर एक प्रकार की श्रृंखला होती है जो स्मॉल यूनिट को ज्वाइन करती है, साथ साथ ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, प्रत्येक जो स्मॉल यूनिट होता है वो वास्तव में केमिकल सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन, काफ़ी सारे स्मॉल यूनिट को जोड़ा जाता है टू फॉर्म बनाने के लिए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, जिसको पॉलीमर कहते हैं।
द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. जो शब्द है पॉलीमर वो आता है ग्रीक शब्दों से. पॉली मीनिंग मैनी और पॉली का होता है काफी सारे और मर का मतलब होता है मीनिंग पार्ट या यूनिट उसका भाग. सो ए पॉलीमर इज ए मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. इसलिए पॉलीमर एक काफी सारे यूनिट्स का रिपीटिंग होता है. नाइलॉन, नाइलॉन के बारे में आपने सुना होगा, नाइलॉन के कपड़े आपने देखा होगा. तो यहां से आते हैं पॉलीमर अकर्स इन नेचर आल्सो. पॉलीमर हमारे प्रकृति में भी होता है. कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोस. जो कॉटन होता है वो उदाहरण होता है पॉलीमर का जिसको हम सेलुलोस कहते हैं. सेलुलोस इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. ये ग्लूकोज यूनिट से सेलुलोस बनता है. यानी कि ग्लूकोज, सेलुलोस क्या होता है, कोशिकाओं का रस जो ग्लूकोज से बनता है. ग्लूकोज किसको कहते हैं, शर्करा होती है जो पेड़ों के अंदर जो रस पाया जाता है उसको उससे बनता है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार, तो जैसे एक तो रेयन होता है, नाइलॉन होता है. ये प्रकार हैं सिंथेटिक के फाइबर के. कितने प्रकार होते हैं, तो रेयन, यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम द सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना. आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में दैट जो सिल्क फाइबर है जो प्राप्त होता है सिल्क बॉम यानी रेशमी कीड़े से, उसको खोजा गया चाइना में. वॉच कैप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड, इसको अच्छी तरह रखा गया सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए. फैब्रिक ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक है जो प्राप्त होते हैं फ्रॉम सिल्क फाइबर से वॉज वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगे होते हैं. बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सटेचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. लेकिन इसका जो सुंदर टेक्सटेचर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल्स. काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं रेशमी आर्टिफिशियल्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियली बनाने के लिए. टू वॉज द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर दैट ऑफ सिल्क. आपके जो 19th सेंचुरी के अंत में वैज्ञानिक काफ़ी सफल हुए हैं प्राप्त करने में फाइबर जो इसमें इस प्रकार की सिल्क की प्रॉपर्टीज होते हैं, तत्व होते हैं सच एज फाइबर वाज ऑब्टेंड बाय केमिकल ट्रीटमेंट से ऑफ वुड पल्प, जिसे लकड़ी के गुद्दी से बनाया जाता है. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन एन आर्टिफिशियल सिल्क. इस फाइबर को हम रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं. ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. यद्यपि जो रेयन है उसे प्राप्त किया जाता है नेचुरल सोर्सेज से, वुड पल्प से, लकड़ी की गुद्दी से, येट इट इज ए मैनमेड फाइबर. लेकिन फिर भी ये मैनमेड फाइबर है, मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर है. इट इज चीपर देन सिल्क. ये सिल्क से ज्यादा सस्ता होता है एंड कैन बी वोवन, और इसको गुथा जा सकता है, बुना जा सकता है लाइक सिल्क फाइबर से. इट कैन आल्सो बी डाइड, इसको डाई किया जा सकता है इन द वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, काफी सारे कलर्स में. रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन. ये कॉटन से मिक्स होता है टू मेक बेडशीट, बेडशीट बनाने के लिए, और मिक्स्ड विद वूल या फिर ऊन के साथ इसको मिक्स करने के लिए टू मेक कारपेट्स, जैसा कि हम कारपेट्स गलीचे वगैरह बनाते हैं इससे. तो इसमें क्या होता है, रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन, इसमें कॉटन भी मिला दी जाती है टू मैक बेड शीट बनाने के लिए, या मिक्स्ड वूल, या फिर इसमें ऊन मिला दी जाती है टू कारपेट, कारपेट्स गलीचे वगैरह बनाने, जैसे गलीचे वगैरह बनते हैं ना आर्टिफिशियल मैट ऑफ रेयन, ये रेयन से बने हुए हैं. इसके बाद आप यहाँ आइए इधर. नाइलॉन, नाइलॉन इज अनोदर मैन मेड फाइबर. नाइलॉन भी दूसरा मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर होता है. नाइलॉन का आपने देखा होगा इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. इसको 1931 में बिना किसी प्राकृतिक रॉ मटेरियल के इसको बनाया गया फ्रॉम प्लांट और एनिमल से. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इसको तैयार किया गया कोयले से, पानी से, हवा से. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. यह पहला पूरी तरीके से तैयार कृत्रिम फाइबर था. नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नाइलॉन जो फाइबर होता है वो मजबूत होता है, इलास्टिक लचीला होता है, और लाइट हल्का फुल्का होता है. इट वॉज लस्ट्रियस एंड ईजी टू वॉश. ये बहुत ही चमकीला होता है और धोने में बड़ा आसान होता है. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ. इसलिए बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है कपड़े बनाना. वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन. हमने भी यूज मैनी आर्टिकल, हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स का यूज करते हैं मेड फ्रॉम नाइलॉन, नाइलॉन से जो बनते हैं, सच एज सॉक्स, जैसे मोजे हुए, रॉप्स रस्सियाँ हुए, टेंट्स हुए, टूथ ब्रशेस हुए, कार सीट हुए, बेल्ट्स हुए, स्लीपिंग बैग्स हुए, कर्टन्स पर्दे हुए, ETC. नाइलॉन इज देखिए बैरियर्स आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन से बनते हैं, जैसे अगर टूथ ब्रश है, कर्टन्स है, सॉक्स है, रॉप है, ये सब नाइलॉन से बनते हैं. Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachute and rope for rock climbing?
क्या नाइलॉन फाइबर वास्तव में इतना स्ट्रांग होता है कि वी कैन मेक नाइलॉन, हम बना सकते हैं पैराशूट, बना सकते हैं रॉप्स, रस्सियां बना सकते हैं फॉर रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पर चढ़ने के लिए। यूज ऑफ नाइलॉन फाइबर, नाइलॉन फाइबर का यूज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, इसका पैराशूट बनाने में इसका यूज होता है, एंड रॉप्स रस्सियां बनाने में इसका यूज होता है फॉर रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पर चढ़ने के लिए। ए नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। Also used for making parachute and ropes or for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than steel wire. ये steel wire से भी ज़्यादा मजबूत होता है। Nylon का जो धागा होता है वो steel wire से भी ज़्यादा मजबूत होता है। Let us find out. आओ पता करते हैं। Activity 3.1 की activity को देखिए। Take an iron stand लीजिए with a clamp, जिसमें clamp होता है। Clamp यानी hook जिसको कहते हैं, इसको बोलते हैं clamp. या खूंटी जिसको आप बोल सकते हैं। टेक ए कॉटन थ्रेड, एक कॉटन थ्रेड लीजिए और अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ का ये कॉटन थ्रेड लीजिए। टाई इट अप टू द क्लैंप, इसको क्लैंप के बांध दीजिए, सो दैट इट हैंग्स फ्रीली, ताकि ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए। इट एज शोन इन फिगर 3.5 एट द फ्री एंड सस्पेंड, और इसको स्वतंत्र रूप से फ्री एंड सस्पेंड यानी इसके अंतिम छोर पे, यहाँ पे फ्री एंड सस्पेंड पे लटका दीजिए। एंड आयरन स्टैंड, ये आयरन स्टैंड है विद ए थ्रेड हैंगिंग, थ्रेड से लटका हुआ है फ्रॉम द क्लैंप से, क्लैंप से लटका हुआ है बांध करके। अब आप देखेंगे इसमें, अब यहाँ पे देखिए, इधर आइए। ए पैन, एक पैन यानी तवा जिसको कहते हैं, या फिर पल्ला, पल्ला जिस पल्लड़ा जो होता है ना तराजू का पल्लड़ा, सो दैट वी वेट, हम तोलते हैं, कैन बी सो ए पैन सो दैट वेट कैन बी फ्लैश इन इट, इसमें वजन रखा जा सकता है। एंड वेट वन बाई वन टिल द थ्रेड ब्रेक, आप वजन बढ़ाते जाइए जब तक कि वो थ्रेड टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, आप नोट डाउन कीजिए कि कितने वेट की आवश्यकता होती है कि ये धागा टूट जाए। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, ये जो वजन आप रखोगे ये दर्शा देगा, आपको इंडिकेट कर देगा कि फाइबर में कितनी ताकत है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड्स ऑफ वूल, अब आप ऐसा कीजिए, वूल ऊन के थ्रेड को लीजिए, पॉलिस्टर के धागे को लीजिए, सिल्क के धागे को लीजिए और नाइलॉन के धागे को लीजिए। तो आप इस सब में वूल, पॉलिस्टर, सिल्क और इन सब में नाइलॉन का जो धागा है वो सबसे मजबूत निकलता है। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन द टेबल 3.2, इसमें आप ये डाटा यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि भाई कॉटन ने कितना वजन झेला, वूल ने कितना वजन झेला, सिल्क ने कितना वजन झेला, नाइलॉन ने कितना वजन झेला। अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर टू द देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इसके बढ़ते हुए में टाइप्स ऑफ थ्रेड, फाइबर, कॉटन, वूल, सिल्क, नाइलॉन, टोटल वेट रिक्वायर टू ब्रेक द थ्रेड, भाई कॉटन इतने वजन पर टूट जाता है, वूल इतने वजन पर टूट जाता है, सिल्क इन सबसे ज़्यादा मजबूत है तो वो है नाइलॉन। यू मे यूज ए हुक, आप एक हुक का प्रयोग कर सकते हैं, नेल, कील का प्रयोग कर सकते हैं ऑन द वॉल, दीवार में फॉर हैंगिंग, लटकाने के लिए द फाइबर्स को, एंड ए पॉलीथीन बैग्स का यूज कर सकते हैं एट द अदर एंड। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज, आपके पास वजन की बांट नहीं है तो आप पत्थर, मार्बल्स या पेबल्स, कंकड़ वगैरह यूज कर सकते हैं। Precautions, note that all threads should be of the same length and almost of the same thickness. ध्यान रखिए जितने भी सभी धागे हैं वो एक ही लंबाई के होने चाहिए और एक ही मोटाई के, यानी कि उनकी लंबाई और मोटाई, यानी कि आप किसी कॉटन के को ज़्यादा मोटा कर दें, दो सब कॉटन, वूल, सिल्क और नाइलॉन सबकी लेंथ और थिकनेस, लेंथ यानी लंबाई, थिकनेस यानी मोटाई, सबकी एक जैसी रखेंगे तभी तो आपको मालूम चलेगा कि किस में ज़्यादा दम है, कॉटन में, वूल में, सिल्क में, नाइलॉन में, किस में ज़्यादा दम है। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डजंट गेट व्रिंकल्ड इजीली, ये आसानी से मतलब सिकुड़ते नहीं है, व्रिंकल्ड यानी सिकुड़ना, इट रिमेंस क्रिप्स, ये कुरकुरे बने रहते हैं एंड इजी टू वॉश, और धोने में बड़े आसान रहते हैं, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ये बहुत सुविधाजनक है ड्रेस मटेरियल बनाना। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग द पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा होगा लोगों को पहनते हुए पॉलिस्टर शर्ट को और अदर ड्रेसेस को। टेरेलाइन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, जो टेरेलाइन है वह भी बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन, इट कैन बी ड्रॉन, इसको चित्रित किया जा सकता है इन टू वेरी फाइन फाइबर में। दैट कैन बी वोवन, जिसको गुथा जा सकता है लाइक एनी अदर यार्न, प्रकार के यार्न की तरह चरखे पे, फाइबर्स दैट कैन बी वोवन, गुथा जा सकता है लाइक एनी अदर यार्न की तरह, चरखा जिसको बोलते हैं, यार्न यानी चरखा बोलते हैं।
My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. मेरी माँ हमेशा PET PET की बॉटल्स खरीदती हैं, PET के जार खरीदती हैं, जार यानी बन्नी वगैरह, स्टोरिंग राइस चावल रखने के लिए, शुगर रखने के लिए। देखा होगा आपने घरों में जो हमारे चावल वगैरह रखे रहते हैं, बन्नियाँ होती है प्लास्टिक की। आई वंडर वाट पैट इज, मैं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पैट क्या है। पैट पॉलीथेलिन टेरेफेथेलेट, एक नेम है इसका, केमिकल नेम है पॉलीथेलिन और टेरेफेथेलेट, इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर का बहुत ही परिचित रूप है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, इसका यूज होता है बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, फिन्स बनाने में, वायर्स तार बनाने में, एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और काफी उपयोगी प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज होता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, अपने चार और देखिए और काफी सारे आपको एक लिस्ट बना लीजिए ऐसी चीजों की जो पॉलिस्टर से बनते हैं। पॉलिस्टर पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ये एक जो केमिकल होता है उसको बार बार उसके यूनिट्स को रिपीट करके बनाया जाता है, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर्स आर द केमिकल्स, ईस्टर्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जो अपनी स्मेल देते हैं, अपने फ्रूट्स देते हैं। फैब्रिक आर सोल्ड बाई नेम लाइक पॉलीकॉट, फैब्रिक को बेचा जाता है उनके नाम से, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीबूल, टेरिकॉट, जैसे बेचा जाता है वो उनके नाम से, जिनके नाम होते हैं जैसे पॉलीकॉट, पॉलीबूल, टेरिकॉट, और इनकी खुद की स्मेल होती है। एज द सेम सजेस्ट दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एज द सजेस्ट as the name suggests, these are the made by mixing two types of fiber, दो प्रकार के फाइबर को बना के बनाया जाता है। पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीकॉट एक मिश्रण होता है पॉलिस्टर और कॉटन का, कपास का। पॉलीबूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर, और पॉलीबूल पॉलिस्टर का मिश्रण होता है एंड बूल का, पॉलिस्टर और बूल का मिश्रण होता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स इन द विंटर, हम पहनते हैं स्वेटर पहनते हैं और हम शॉल का यूज करते हैं, ब्लैंकेट्स कंबल का यूज करते हैं सर्दी में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल, ये नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं। दाउ दे अपियर टू रिजेंबल वूल, यद्यपि वो दिखाई देते हैं समानता रखते हैं वूल जैसी। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक, वो एक प्रकार के एक्रेलिक नाम का फाइबर होता है उससे बनते हैं। द वूल ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल, जो वूल है जो ऑब्टेंड प्राप्त की जाती है नेचुरल सोर्सेज से, इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम द एक्रेलिक, और जो चीज़ें कपड़े बनते हैं एक्रेलिक से, आर रिलेटिवली चीप, वो तुलना रिलेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से, दे आर रिलेटिवली चीप, वो बहुत सस्ते होते हैं। दे आर एडवाइजेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, और दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, में काफ़ी कलर्स की वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, अफोर्डेबल, इनको आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना देता है देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की तुलना में इन्हें ज़्यादा लोकप्रिय बना देता है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, activities 3.6 of class 7. You have already performed, आपने पहले से किया होगा एक activity burning natural, जलते हुए आपने देखा होगा natural और प्राकृतिक और synthetic fibers को, activity 3.6 में class 7 में देखा होगा। What did you observe, आप क्या देखते हैं? When you burn synthetic fibers, जब आप जलाते हैं किसी synthetic fibers को, you find that their behavior is different. तो आप पाते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट, आपने देखा होगा सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हीटिंग पर पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज होता है। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, यदि कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो ये बहुत ही घातक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। द फैब्रिक मेल्ट्स, फैब्रिक पिघल जाते हैं एंड स्टिक टू द बॉडी, और हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, उस व्यक्ति के शरीर पर जो इसको पहने हुए होता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी, इसलिए रसोई में काम करते समय, प्रयोगशाला में काम करते समय हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई मदर वी नेवर
वीएस पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी माँ कभी नहीं पहनती है पॉलिस्टर के कपड़े जब वो किचन में काम करती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स और पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस काफी सारी प्रक्रिया से यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोलियम के रॉ कच्चे माल का प्रयोग होता है। इसकी जो ओरिजिन पेट्रोलियम होती है जिसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की विशेषताएं देखिए। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे। कल्पना कीजिए कि ये बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, किस प्रकार का अम्ब्रेला आप यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर रखते हैं अद्वितीय विशेषता रखते हैं विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो उनकी बना देता है लोकप्रिय ड्रेस मटेरियल। दे ड्राइव अप क्विकली, वे जल्दी से सूख जाते हैं। एंड आर ड्यूरेबल, और वे बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं। रेडिली अवेलेबल, और आसानी से उपलब्ध होते हैं। इजी टू मेंटेन, और उनको मेंटेन रखना बड़ा आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, आप निम्न एक्टिविटी कीजिए। एंड लर्न फॉर योरसेल्फ, और अपने आप को देखिए। एक्टिविटी 3.2, टेक टू क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के दो कपड़े लीजिए, रफ हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच, वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जिनमें से होना चाहिए एक नेचुरल फाइबर का। द अदर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर हो सकता है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स, आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज, इन टुकड़ों को सेलेक्ट करने में। सॉक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स, और इनको आप भिगो लीजिए किसी डिफरेंट मग में। ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें बराबर का पानी होना चाहिए। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब आप इनको इस कंटेनर से निकालिए 5 मिनट बाद और इनको सूरज की रोशनी में सुखा दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, अब आप तुलना कीजिए कि पानी कितना बचा है, ईच कंटेनर में कितना कितना पानी बचा है। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स, क्या सिंथेटिक फाइबर्स कम या ज़्यादा सोखते हैं पानी नेचुरल फाइबर्स से, आपको देखना है। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, क्या वे सूखने में कम या ज़्यादा समय लगाते हैं, वो आपको चेक करना है। What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? ये जो activity है वो आपको बताएगी कि इनकी विशेषता, synthetic fibers की विशेषता क्या होती है। Find out from your parents about the durability. अपने parents को बताइए इनकी अवधि के बारे में, cost कीमत के बारे में, maintenance के रखरखाव के बारे में of these fabrics. Compare to the natural fabrics, और natural fabrics से इनकी तुलना कीजिए। Plastic. You must be familiar with many plastic articles used एवरीडे, आप बहुत जानते होंगे प्लास्टिक के बारे में जिसको आप डेली यूज करते हैं, बकेट है, बाल्टी है, स्कूटर वगैरह। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस को यहां पे लिखिए, लाइनर एंड क्रॉस लाइन अरेंजमेंट्स, ये देखिए ये बकेट वगैरह। अब आप इधर आइए, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमीटर लाइक पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर, ये पॉलीमर होता है एक सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डोंट हैव, ऑल प्लास्टिक डोंट हैव, ऑल प्लास्टिक डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स का नहीं रखते हैं। इन सम इट इज लाइनर, किसमें लाइनर होता है, वेयर इज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक्ड होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स में अवेलेबल होते हैं, साइजेस में अवेलेबल होते हैं। यू कैन सी इन द फिगर 3.7 में आप देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी आश्चर्य किया है, हाउ दिस इज पॉसिबल, कि ये कैसे संभव है। द फैक्ट इज दैट, ये तथ्य ये है कि प्लास्टिक इज इजीली मॉड्यूलेबल, जो प्लास्टिक है उसको आसानी से निर्मित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कैन बी शेप्ड, इसको आकार दिया जा सकता है इन एनी फॉर्म में। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, इसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है, रीयूज पुनः यूज किया जा सकता है। कलर, अपन चाय जैसा कलर दे सकते हैं, मेल्टेड पिघला सकते हैं, रोल्ड इनटू द शीट, शीट के रूप में बना सकते हैं, मैड इनटू द वायर या फिर तार बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस, इसके काफी सारे यूजेस हमको मिलते हैं। तो वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक से बनते हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्लस्थीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक का एक हमारा उदाहरण होता है पॉलीथीन, ध्यान रखिए गाइस। यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, जिसका पॉलीथीन बैग बनाने में हम यूज करते हैं। नाउ ट्राई टू वेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, आप कोशिश कीजिए झुकने में, झुकाने में ये पीस ऑफ प्लास्टिक को। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी वेंड इजीली, क्या सभी जो प्लास्टिक आर्टिकल्स है वो आसानी से झुक जाते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली, आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि सम प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं वो उनको आसानी से झुका
सिखाया जा सकता है वाइल सम ब्रेक, जबकि कुछ टूट जाते हैं व्हेन फोर्स टू वेंट, जब इनमें ताकत लगाई जाती है, बल लगाया जाता है। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोटल टू इट गेट्स डिफॉर्म, जब हम इसमें हॉट वाटर डाल देते हैं किसी प्लास्टिक बोटल में तो इट्स डिफॉर्म हो जाती है, यानी विकृत हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, ऐसे जो प्लास्टिक जो बड़ी आसानी से विकृत हो जाती है गर्म करने पर, एंड कैन बी बेंट इजीली आर नॉट, और आसानी से इसको झुकाया जा सकता है, इसे जाना जाता है थर्मोप्लास्टिक, इसको थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन और पीवीसी ये उदाहरण होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, ये मैन्युफैक्चरिंग टॉयज के लिए इसका इनका निर्माण होता है। कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, और जो कंगे वगैरह कई प्रकार के कंटेनर से बनते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मॉड्यूल्ड वंस एंड कैन नॉट बी सॉफन बाई हीटिंग, दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार बना दिया जाए तो उनको हम हीटिंग से उनको लचीला नहीं बना सकते। दीज आर कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जो गर्म करने पे भी झुकते नहीं है, ज़्यादा कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगे, और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो आसानी से झुक जाते हैं। तो ये अंतर होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये दो उदाहरण है बेकेलाइट और मेलेमाइन का। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेकेलाइट मतलब क्या होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर कहते हैं बिजली का कुचालक, यानी कि उसमें बिजली नहीं आती है, बिजली धारा प्रवाह नहीं होती है, तो उसको ये है आपकी बेकेलाइट और मेलामाइन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसमें इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस इससे बनते हैं, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स के बनते हैं। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, जो मेलामाइन होता है वो वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुगुणी, जिसमें काफ़ी सारे गुण हो, कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इज द वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुगुणी मटेरियल होता है। इट रेसिस्ट फायर, यह आग को रोकता है। कैन टॉलरेट हीट, यह हीट को टॉलरेट करता है बेटर देन अदर प्लास्टिक की बजाय। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर्स टाइल्स, यह इसका यूज होता है टाइल्स की फ्लोर बनाने में, किचन वेयर किचन के सामान बनाने में, एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, जो आग को रोकते हैं। फिगर 3.8 शोज दैट द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक के काफ़ी सारे यूजेज हमको देखने को मिलते हैं, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हमको काफी सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ये उदाहरण हैं, जैसे आपने देखा स्विचेस होगा, ये फ्राई पैन का वो देखा होगा, ये प्लेट वगैरह वगैरह देखा होगा प्लास्टिक आर्टिकल्स मेड, ये आपके डिब्बे आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, वायर इनमें आग नहीं लगती है, ये बिजली के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं सम आर्टिकल्स मेड ऑफ द प्लास्टिक्स। इसके बाद यहाँ से आते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, प्लास्टिक एज ए मटेरियल्स ऑफ चॉइस पसंद के। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, बटर मिल्क पिकल्स ड्राई फूड, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। अगर आज हम सोचें किसी चीज़ को स्टोर करने की, भोजन को आइटम को, पानी को, मिल्क को, अचार को, सूखे भोजन को, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, तो जो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो ज़्यादा सुविधाजनक लगते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, ये उनके हल्के वजन की वजह से ऐसा होता है। लोअर प्राइस, इनकी कम कीमत होती है। गुड स्ट्रेंथ, इनमें अच्छी स्ट्रेंथ ताकत होती है। एंड इजी हैंडलिंग, और इनको आसानी से हैंडलिंग किया जा सकता है। विंग लाइटर, ये हल्के फुल्के होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स में हम इनकी तुलना करें। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार, इनका यूज होता है कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में टू। द लिस्ट इज एंडलेस, इसकी जो लिस्ट होती है वो एंडलेस होती है। वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स के रूप में हम काउंटिंग करें, फर्नीचर के रूप में, डेकोरेशन पीसेस सजावटी चीजों के रूप में, इटीसी। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, आते हैं हम डिस्कस करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आप जानते हैं कि जब मेटल्स को हम लाइक आयरन जैसे छोड़ देते हैं तो उनमें जंग आ जाती है व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, लेकिन ऐसा प्लास्टिक के साथ नहीं होता। बट प्लास्टिक डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, लेकिन प्लास्टिक कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता वाटर के साथ और एयर के साथ। दे आर नॉट कॉर्डेड ईजिली, वो आसानी से न तो सड़ते हैं न गलते हैं न उनमें जंग आती है। That is why they are used to store various kinds of material. इसलिए उनका use होता है store करने में कई प्रकार के materials, including many chemicals. काफ़ी सारे chemicals भी लगे जाते हैं। Plastic is light, strong and durable. ध्यान रखिए, plastic हल्का होता है, प्लास्टिक मजबूत होता है, प्लास्टिक ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाला होता है। ध्यान रखिए गाइस, हर मीनिंग को देखिए और इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और बार बार समझने की कोशिश। वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार सी कीजिए, देखिए।
टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बात कीजिए एंड ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स के बारे में दैट वर यूज इन द पास्ट, जो पास्ट में यूज होते हैं. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स, बकेट्स का मटेरियल क्या, मग्स यू आर यूजिंग टुडे, जो आप आज यूज कर रहे हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, का एडवांटेज क्या है. सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, चूंकि प्लास्टिक बहुत हल्का फुल्का होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है एंड कैन बी मॉड्यूल्ड, और इसे निर्मित किया जा सकता है इनटू डिफरेंट शेप्स और साइज में इसको बनाया जा सकता है. इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज, इसको काफी सारे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, प्लास्टिक सामान्यतः सस्ता होता है मेटल्स के. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, वे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में जिनका यूज होता है एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए वे बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है. मैक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक की लिस्ट बनाइए, कंटेनर्स की लिस्ट बनाइए दैट यू यूज इन डेली लाइफ, जिनका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में आप उनको देखते हैं. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक बिजली के कुछ अलग होते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जब आपने पढ़ा था ऊपर के प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसलिए इलेक्ट्रिक के वायर में प्लास्टिक की कवरिंग होती है. हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर के हैंडल आर मेड ऑफ प्लास्टिक के बने होते हैं. एज मेंशन अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, जैसे फ्राइंग पैन का हैंडल आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक के बने होते हैं. डिड यू नो, क्या आप जानते थे कि प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, के प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्सटेंसिव यानी बहुत ज्यादा यूज होता है हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य विभाग में. सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, इनका कुछ जैसे टैबलेट्स को पैकिंग में होता है, थ्रेड बनाने में होता है, यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड, आपके जो घाव होते हैं उनको टांके वगैरह लगाने में जो धागा होता है वो प्लास्टिक का होता है, सिरिंज का बनाने में होता है, डॉक्टर्स के ग्लव्स बनाने में इसका यूज होता है, इन नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी प्लास्टिक का यूज होता है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन द माइक्रोवेव ओवंस फॉर कुकिंग फूड, ध्यान रखिए स्पेशल प्रकार का जो प्लास्टिक होता है जिसको कुकवेयर बोलते हैं वो माइक्रोवेव ओवंस में यूज होता है फॉर कुकिंग फूड, भोजन को पकाने जिसमें आग नहीं लगती है. इन माइक्रोवेव ओवंस में द हीट कुक्स, जो हीट है ना वो कुक करती है फूड को, पर डजंट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, लेकिन उस प्लास्टिक के वेसल बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक होता है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डोंट स्टिक, जिसपे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है. इट इज यूज फॉर नॉन प्लास्टिक कोटिंग के लिए इसका यूज होता है ऑन कुकवेयर्स में. अब इससे पहले थोड़ा ऊपर देखिए, फायर प्रूफ प्लास्टिक, जैसे फायर प्रूफ जिसमें आग नहीं लगती है ऐसे प्लास्टिक, ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजिली, यद्यपि जो कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें आसानी से आग लग जाती है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लैम रेसिस्टेंट. आपने देखा होगा जो फायरमैन होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म होती है, उसमें मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिससे उनमें आग नहीं लगती है. फ्लैम रेसिस्टेंट यानी कि वो आग के प्रतिरोधी होते हैं, रेसिस्टेंट आग को रोकते हैं. प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सामान्यतः ऐसी चीज़ें पाते हैं जो प्लास्टिक में लिपटी होती हैं, पैकेट में लिपटी होती हैं, पॉलीथीन बैग्स में. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग accumulated इन our homes. यही कारण है कि क्यों प्लास्टिक की जो बेस्ट है चीज़ें हैं कीप्स गेटिंग, इनको रखा जाता है accumulated, इकट्ठा रखा जाता है इन our homes. अल्टीमेटली अंतोदगत प्लास्टिक फाइंड इट्स वे, ये अपना रास्ता पाती है टू द गार्बेज. ध्यान रखिए अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज. हम इन्हें क्या करते हैं, कचरे में डाल देते हैं, जो खराब हो जाता है उसको. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम. आज प्लास्टिक का निपटारा करना यानी कि प्लास्टिक को खत्म करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. व्हाई, क्यों? ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एन एक्शन ऑफ बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायो डिग्रेडेबल. एक मटेरियल जो आसानी से सड़ जाता है, गल जाता है प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस से किसी बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको बायोडिग्रेबल कहते हैं. जैसे लकड़ी है, कागज है, आपके कोई और चीज़ें हैं, तो वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो बायोडिग्रेबल हो जाती हैं. ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेबल. लेकिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो न सड़ता है न गलता है नेचुरल प्रोसेस से, उसको हम नॉन बायोडिग्रेबल के नाम से जानते हैं. टेबल 3.3 का देखिए, टाइप ऑफ वेस्ट.
approximate time taken to degenerate nature of material. तो टाइप्स ऑफ वेस्ट जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, सब्जी के छिलके, फ्रूट्स, फल, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, बचा हुआ भोजन वगैरह है. तो ये सड़ने डिजनरेट यानी सड़ने गलने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह लगते हैं. और ये इसलिए ये बायोग्रेडेबल है. पेपर है, इसको भी 10 से 30 दिन लगते हैं ख़त्म होने में. ये भी बायोडिग्रेडेबल है. कॉटन क्लॉथ, कपास के कपड़े, इनके 2 से 5 महीने लगते हैं. ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वुड, लकड़ी को 10 से 15 साल लगते हैं. ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वूलन क्लॉथ, अबाउट ए ईयर, करीब 1 साल लगता है इनको. ये भी बायोडिग्रेडेबल है. और टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस को 100 से 500 साल लग जाते हैं. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक बैग, जो पॉलीथीन के जो बैग होते हैं, वो सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जिंदा रहते हैं. उनको दफन कर दी जमीन में, वो न गड़ेंगे न सड़ेंगे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ध्यान रखिए. सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, चूंकि प्लास्टिक को काफी साल लग जाते हैं डिकम्पोज सड़ने गलने में, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं. इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन. ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं. बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, चूंकि जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल की, वो बहुत धीमी होती है. इट डजंट गेट कम्प्लीटली बर्न्ट इजीली, या आसानी से न जलते हैं न बुझते हैं, कुछ नहीं होता. इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. ये काफ़ी सारे जहरीली गैस निकालते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं? हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप, आपने कचरे के ढेर को देखा होगा. वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पर जानवर गार्बेज खा रहे होते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे सेलो मटेरियल्स, वे काफ़ी सारे मटेरियल्स को निगल जाते हैं, लाइक पॉलीथीन बैग्स को हैं, ब्रेप्स फर्स ऑफ फूड, भोजन के जो प्रेपर्स हैं उनको. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या आप इनके परिणाम को इमेजिन कर सकते हैं? द प्लास्टिक मटेरियल चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, जो प्लास्टिक है मटेरियल है वो रोक देता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और फॉर्म से लाइनिंग और एक लाइनिंग बनाता है इन देयर स्टमक, एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, और उनकी मृत्यु का कारण होता है. द पॉलीवैक्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू. जो पॉलीवैक्स होते हैं जिन लापरवाही तरीके से इधर उधर फेंका जाता है, वो जिम्मेदार होते हैं क्लॉगिंग द ड्रेन्स, नालियों को जाम करने में. समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द ब्रेपर्स ऑफ चिप्स, हम कभी कभी हम बहुत लापरवाह होते हैं और हम ब्रेपर्स ऑफ चिप्स यानी कि जो थैलियाँ हैं, जैसे चिप्स वगैरह की थैलियाँ हैं, बिस्कुट्स हैं, अदर ईटेबल्स की जो थैलियाँ हैं, रैपर्स हैं, ब्रेपर्स हैं, ऑन द रोड इन और इन द पार्क और पिकनिक प्लेसेस पे हम फेंक देते हैं. शुड बी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, हमें ऐसा करने के पर 2 बार हमें सोचना चाहिए. एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा सुझाव है कि हमें ऐसे पब्लिक प्लेस को क्लीन और प्लास्टिक फ्री रखना चाहिए. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक मेरा मानना है प्लास्टिक के यूज़ को कम से कम यूज किया जाना चाहिए. मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ द कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के जाते हैं तो जूट के या कॉटन के बैग अपने साथ लेके जाएं. द बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली. ध्यान रखिए, 2 तरह के कचरा होते हैं. एक तो बायोडिग्रेबल, जो मतलब जैविक प्रक्रिया से प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेबल जो प्राकृतिक तरीके से नष्ट नहीं होते. ऐसे कचरों को शुड बी कलेक्ट सेपरेटली, अलग अलग इकट्ठा करें, डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, और उनका निपटारा यानी उनका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से करें. प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, और अपने घर में इसका सबको व्यवहार में लेके आए. कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू वास्ट द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, क्या आप हमें कोई और सुझाव बता सकते हैं जिससे हम इनका प्लास्टिक मटेरियल्स का रिड्यूस कम कर सकें? इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना बहुत अच्छा तरीका है. मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है. मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल, इनकी लिस्ट बनाइए. हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग साइट एंड कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, इसमें कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के कलर मिलाए जाते हैं. दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जो इस ये लिमिट होती है इसके, विशेष रूप से जब आप भोजन का स्टोरेज करते हैं. एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 R प्रिंसिपल, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप 5 सूत्रीय सिद्धांत ध्यान में रखिए. रिड्यूस,
यानी प्लास्टिक का यूज कम से कम कीजिए, रीयूज उनको पुनः दोबारा यूज कीजिए, रिसाइकिल उनको दोबारा रिसाइकिल कीजिए, रिकवर उनको दोबारा रिकवर कीजिए, और रिफ्यूज और जहां तक हो जाए प्लास्टिक को यूज करने से मना कर दीजिए। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इस हैबिट को 5R प्रिंसिपल को एक हैबिट बना लें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। फाइबर वाइज, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। ध्यान रखिए प्लास्टिक बैग को आप वाटर बॉडीज में नहीं फेंकें और रोड पे नहीं फेंकें। अगर रोड पे फेंकेंगे तो जानवर खा जाएंगे, वाटर बॉडीज में फेंकेंगे तो वो जाम हो जाएंगे। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब शॉपिंग के लिए जाएं तो आप जूट का बैग लेके जाएं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज कम से कम करें। यूज ए स्टील लॉन्च बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक वन के स्थान पर आप स्टील लंच का प्रयोग करें। कीवर्ड्स एक्रेलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रायन, सिंथेटिक फाइबर्स, टेरिलॉन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी थोड़ा सा इधर देख लीजिए, व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा है। सिंथेटिक फाइबर्स, कृत्रिम जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स में बनते हैं, कॉल्ड पॉलीमर्स, जिनको पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स आर मेड ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट्स और पॉलीमर फिर छोटे छोटे यूनिट्स से बनते हैं। वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑफ्टन बाई केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आपको केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से या फिर पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। लाइक नेचुरल फाइबर्स में दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन इंटू फैब्रिक्स, लाइक नेचुरल फाइबर की तरह दीज फाइबर्स को भी इनको गुथा जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूज रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रॉफ्स, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स टू हाईली स्पेशलाइज यूजेस इन एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर, इन सब जगह इनका यूज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर कॉल्ड रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक कहा जाता है। ध्यान रखिए इनकी एक कैटेगरी बनाई गई है, सिंथेटिक फाइबर्स को 4, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के रूप में इनको बांटा गया है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एनी अदर देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग, पानी को सोखना कैपेसिटी, क्षमता कितनी है, नेचर ऑफ बर्निंग, इनकी जलने की प्रकृति कैसी है, कोस्ट कितनी कीमत का होता है, ड्यूरेबिलिटी इनकी अवधि कितनी है। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन, आज जीवन को बिना प्लास्टिक के कल्पना करना बहुत मुश्किल है। बी इट अ होम और आउटसाइड, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, आपको प्लास्टिक सब जगह देखने को मिलता है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, जो प्लास्टिक का होता है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस, इसको जब हम इसको जलाते हैं तो इससे खतरनाक गैसें निकलती हैं। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे मे टेक ईयर्स टू डिजेनरेट, और जब इनको हम डंप कर देते हैं कचरे में, जमीन में गाड़ देते हैं, तो कई साल इनको लग जाते हैं खत्म होने में। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर में रखा गया है। वी नीड टू यूज द सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक इन सच ए मैनर दैट वी कैन एंजॉय देयर गुड क्वालिटीज को देखते हैं, एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंट हैजार्ड, जो पर्यावरण संबंधी जो जोखिम है, खतरे हैं फॉर द लिविंग कम्युनिटीज के लिए, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो गाइस आते हैं एक्सरसाइज, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, बताइए कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, दे आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वे ह्यूमन बींग्स के द्वारा बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। मार्क टिक द राइट करेक्ट आंसर, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर से भिन्न होता है, बिकॉज क्यों, इसका बी इट इज ऑफ्टन फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि यह प्राप्त होता है लकड़ी की गुद्दी से प्राप्त होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, वरिए सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड, इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स, इसे क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर, यह भी एक पॉलीमर होता है। ओके गाइज,
गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग. कुछ उदाहरण दीजिए कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि पैराशूट और रॉफ्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एसीसी बनते हैं. एक्सप्लेन भाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. बताइए जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो फेवर्ड होते हैं स्टोरिंग फूड रखने के लिए. क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये लाइट हल्के होते हैं, स्ट्रांग मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलते हैं, डोंट गेट रस्टेड जंग नहीं लगती, डोंट रिएक्ट ये किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक में अंतर बताइए. मैंने पहले ही बताया था थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजीली से झुक जाता है ऑन हीटिंग करने पर, बट द थर्मोसेटिक प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंड. ये झुकता नहीं है, ये टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं. नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड विद थर्मोसेटिक प्लास्टिक. इसको डू योरसेल्फ कैटेगरीज, ये बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे. और मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान रखिए. गिव एग्जांपल टू शो द प्लास्टिक आर नॉन कॉफ्सरेटिव इन नेचर. कुछ उदाहरण दीजिए कि प्लास्टिक प्रकृति के सहायक नहीं होते हैं, नॉन कॉफ्सरेटिव असहयोग करते हैं प्रकृति को, तो उसके तो उदाहरण बताइए. और नंबर 12 अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक से के यूज से बचिए. कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस एडवाइस पर रखिए. और क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखिए. क्वेश्चन नंबर 14 मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट, सिंथेटिक फाइबर बनाना ये हमारी मददगार होता है फॉरेस्ट को बचाने में. क्वेश्चन नंबर 14 तो ध्यान रखिए. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और मैच द टर्म्स कॉलमिंग करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन द कॉलम. पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को मैच करेंगे आप डी से. फैब्रिक, डोंट ब्रिंकल इजिली, वे फैब्रिक जो आसानी से नहीं होते. टेलीफोन, टेलीफोन को मैच करेंगे सी से. यूज टू मैक नॉन स्टिक कुकवेयर्स में. रायन को मैच करेंगे ए से, प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प. और नाइलॉन को मैच करेंगे आप बी से. यूज फॉर मेकिंग पैराशूट बनाने में एंड स्टॉकिंग चिपचिपे पदार्थ बनाने में इसका यूज होता है. तो गाइस ध्यान रखिएगा, आपको तीन क्वेश्चन ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आपका 12 और क्वेश्चन नंबर 10. और बाकी के गाइस जितने भी एक्सरसाइज हैं मैंने आपको बताया, एक्सलेंट का आप रिफ्रेशर ला सकते हैं इंग्लिश मीडियम का, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर आपका 14, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइस, सी यू टुमारो, मिलते हैं अगले लेसन में. तब तक के लिए आप इनको वर्क कीजिए, होमवर्क कीजिए, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए. ध्यान रखिए आपकी बोर्ड की एग्जाम है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके गाइस, बाय, सी यू सून.